आगे बढ़ते हैं अगला सवाल देखते हैं अस्सलाम वालेकुम असल वरहम शेख मेरा सवाल यह है कि मैं अपनी ऑनलाइन सर्विस की एक शॉप ओपन करने जा रहा हूँ जिसमें हर तरह के ऑनलाइन सर्विस कस्टमर को दी जाएगी किसी भी तरह के पासपोर्ट पैन कार्ड और किसी भी ऑनलाइन फॉर्म भर जाएंगे स्कूल के तो वो मैं सर्विस दूंगा दूंगा कस्टमर्स को उसके में मुझे चार्ज मिलेंगे साथ ही साथ इसमें ऐसे भी कस्टमर्स आएंगे जो बोलेंगे मेरे मेरा किसी भी बैंक से लोन अप्लाई करवा दीजिए ठीक है तो क्या मैं ये सर्विस कस्टमर को दे सकता हूँ इसमें मेरा कुछ अलग से नहीं रहेगा मतलब मैं ऑनलाइन कस्टमर के बैंक के पोर्टल पर जाकर अप्लाई कर दूंगा कस्टमर के विवाह पे और पैसे कस्टमर को आ जाएगा मुझे सिर्फ पचास सौ चार्ज अप्लाई करने के मिलेंगे तो क्या मैं ये कर सकता हूँ मेरे लिए जायज रहेगा दूसरी चीज इंडिया गवर्नमेंट के हिसाब से गाड़ी का गाड़ी का इंश्योरेंस कराना मैंडेटरी रहता है तो क्या मैं ये ये बाइक इंश्योरेंस या कार इंश्योरेंस कस्टमर के विभाग पे अप्लाई कर सकता हूँ कस्टमर का कर सकता हूँ बर मेहरबानी इसका जवाब दें जजाक खैर ये हमारे एक भाई साहब हैं ये कोई काम करते हैं जिसमें पासपोर्ट बनवाने का काम पेन कार्ड बनवाने का काम इस तरह के बहुत सारे काम करते हैं अब ये चाहते हैं कि इन कामों के बीच में दो और काम ये करें तो कैसा रहेगा एक काम ये है कि लोन पास कराना यानी ये कहते हैं कि अगर कोई लोन जैसे बैंक से लोन लेना है सूद पे जो है पैसा लेना कर्ज लेना है तो ये कहते हैं कि हम जो है खुद नहीं लेंगे लोन अब कोई लेने आता है तो हम उसकी रहनुमाई करेंगे तो देखें ये बात कतअअन तो हराम और नाजायज है बिल्कुल नहीं कर सकते आप सूद के बारे में नशी वगैरह की कि रवायत कितने सख्त अल्फाज हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत की है सूद खाने वाले पर सूद खिलाने वाले पर और जो शख्स सूदी मामलात को दर्ज करता है लिखता है उस पर भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लानत है और जो शख्स उन चीज़ों के लिए गवाह बनता है उसके लिए भी लानत है तो ये इतनी खतरनाक चीज़ है और आप ये सोच रहे हैं कि नहीं हम इसमें किसी तरह की कोई सर्विस देंगे तो ये बहुत बड़ा पाप है बहुत खिनौना जुर्म है बहुत खिनौना जुर्म है आपको मालूम होना चाहिए कि गुनाह की दो किस्में उलमा करते हैं एक सगीरा गुनाह, एक कबीरा गुनाह। सगीरा गुनाह छोटे गुनाह, और कबीरा गुनाह बड़े गुनाह। लेकिन जो कबीरा गुनाह नहीं, बड़े बड़े गुनाह, उनमें भी सात किस्म के गुनाह ऐसे हैं जो उनमें भी सबसे बड़े हैं जिनको अकबरुल कबायर कह सकते हैं यानी कबीरा में भी बड़े और इन गुनाहों के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ताबीर है इसमें इज तनिब अजब अलमोबात के सात बड़े बड़े गुनाहों से जो तबाह बर्बाद करने वाले गुनाह हैं उनसे अपने आप को बचाओ उनमें से एक सूद है ये सिर्फ कबीरा गुनाह नहीं है अकबरुल कबायर है इसलिए आप ये इरादा बिल्कुल तर्क करते हैं कोई गुंजाइश नहीं है किसी भी तरह के ताउन की कारोबार की कोई गुंजाइश नहीं है तो सूद से आपका कोई लिंक नहीं होना चाहिए ना आप शुद खा सकते हैं ना खिला सकते हैं ना गवाही दे सकते हैं ना लिख सकते हैं किसी भी तरह से उसमें इन्वाल्व नहीं हो सकते आप पूरी तरह से दूरी इख्तियार करें कतअ अन जायज नहीं इसकी कोई गुंजाइश नहीं है और साथ ही दूसरा सवाल आपने ये किया कि गाड़ी का जो इंश्योरेंस का मामला है तो वो जरूरी है हुकूमत की तरफ से तो आप वो काम कर सकते कि नहीं तो देखिये आप तो नहीं कर सकते वो काम ठीक है जरूरी है हम मानते हैं कि गाड़ी चलाने के लिए अगर किसी के लिए लाजिम है जरूरी है कि वो इंश्योरेंस बनवाए इजबारी है की तरफ से। उसके बगैर कोई चारे कार नहीं है तो हम ये नहीं कहते कि जो मौजूदा सहूलियात है उनसे महरूम रहे पैदल चले वो गाड़ी ले सकता है इंश्योरेंस करा सकता है वो जो लाजमी है इजबारी है वो नहीं जो इख्तियारी है जो लाजमी है इजबारी है उसके बगैर आदमी रोड पे चल ही नहीं सकता तो वो पेपर तो बनवा सकता है लेकिन कौन बनाएगा किसे बनवाएगा वो जो लोग ये काम करते हैं आपको उस बीच में आने की क्या जरूरत है एक हराम काम है शरीयत ने उसको हराम करके रखा है अब अगर उलमा उसकी गुंजाइश देते हैं बसूरत मजबूरी किसी के लिए तो जिसके लिए जितनी मजबूरी है उतना वो उसमें जा सकता है एक बंदे को गाड़ी चलानी है उसकी अपनी प्रॉब्लम है हो सकता है देखिए हो सकता है कोई ऐसा बंदा भी हो ना जो सोचे कि हमें तो कोई जरूरत नहीं गाड़ी की हम जो है पैदल जा सकते हैं या दूसरी की गाड़ी हायर करके जा सकते हैं हम क्यों जाएं इस सूद में पढ़ने के लिए हो सकता है कोई इस अजीमत का सबूत दे इस तरह का काम करे तो बिला वजह यह तो नहीं कहा जा सकता ना कि यह चीज जायज होगी यानी कुछ लोगों के लिए जरूरत है तो सबके लिए ये कारोबार जायज करार दिया जाए कि नहीं आप गाड़ियों के इंश्योरेंस कराते फिर नहीं किसी को कराना है मजबूरी है उसका अपना मसला है ये उसकी प्रॉब्लम है पूरे कौम की सबकी नहीं उसकी हो सकता है इस कौम में भी कोई ऐसा फर्द हो जो इस की इस सूरत में भी अपने आप को बचा ले जाए सूद से क्या ही बड़ी बात होगी कि इस हालत में भी अपने आप को सूद से बचाए रखे और मरने के बाद अल्लाह के सामने खड़ा हो तो ये कह सके वो कि मैं हर तरह से सूद से बचा था लाख पाबंदियां थी चलना फिरना जो है मुश्किल था लेकिन इसके बावजूद भी मैं सूद से समझौता नहीं किया हो सकता है कोई किया। तो ऐसे हालात में ये कहने की कोई गुंजाइश नहीं कि आप ये कारोबार शुरू करते हैं तो इंश्योरेंस जिनका मसला है उन तक रहने दें आप ये कारोबार ना करें आपके लिए कतअअन ये गुंजाइश नहीं है अब देखिए बैंक का जो मसला है बैंक से जुड़ना ये असल जायज़ नहीं है

इस नुकते को पकड़ कर कोई सुअर की तजारत शुरू कर दे बेचना शुरू कर दे और कहे कि नहीं बाज हालात में तो ये जायज़ है यानी बाज हालात में आदमी सुअर भी खा सकता उसको बुनियाद बना के सुअर की तजारत करना शुरू कर दे इसकी गुंजाइश नहीं हो सकती ना तो इसलिए आप जो दूसरे कारोबार कर रहे हैं जो जायज़ है वो करें लेकिन ये जो आपने कहा लोन के बारे में इंश्योरेंस के बारे में इससे आप अपने आप को पूरी तरह से दूर रखें इसको बतौर कारोबार इसको पेशा बनाने की कोई गुंजाइश नहीं है उम्मीद है कि आपका जवाब मिल गया होगा